खेलकूद के प्रति जागरूक करने के लिए शुक्रवार को सर्वोदय गर्ल्स डिग्री कॉलेज में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से जनपद स्तरीय 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता दिनांक 15/11/2018 से प्रारंभ होकर दिनांक 17/11/2018 तक चलेगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल योगेंद्र कुमार सिंह एवं अमरनाथ राय रहे। इन लोगों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्वोदय गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रबंधक राजेंद्र यादव ने किया। इस प्रतियोगिता में बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, दौड़ प्रतियोगिता संपन्न हुई। सर्वोदय गर्ल्स डिग्री कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़ की छात्राओं ने सरस्वती वंदना कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में कई तरह के खेल आयोजित होने हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए अलग अलग विद्यालयों की टीमें आई हुई हैं। जनपद स्तरीय BTC जो विद्यालय हैं, निजी प्रशिक्षण विद्यालय, उनका और डाइट के बच्चों की खेलकूद का कार्यक्रम है, उसका उद्घाटन किया गया है। और जनपद के अधिकांश 26 विद्यालयों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है। एक्चुअली एक नई शुरुआत है, इसके पहले जो है मुझे नहीं लगता था कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से कहीं पर भी जो BTC विद्यालय हैं निजी क्षेत्र में उनके बच्चों को एक साथ ले आके इस तरीके का कार्यक्रम कराया जाता हो। निश्चित रूप से ये प्राचार्य की पहल पे की गई है और बगल में सर्वोदय विद्यालय है, तो सर्वोदय विद्यालय परिवार का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि वो होस्ट कर रहे हैं। इसके लिए कोई विशेष फंड वगैरह होता नहीं। राज प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने ये मौका जो हमें दिया जो है, पूरे जनपद के स्कूल जो है पार्टिसिपेट किए हैं और हम बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं। उन्होंने हमें इस सर्वोदय प्रांगण का आके निरीक्षण किया और यहाँ टूर्नामेंट कार्यक्रम कराने के लिए निर्णय लिया गया। सर को पुनः फिर से धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे दौड़, 100 मीटर, 400 मीटर, कबड्डी, वॉलीबॉल सभी टूर्नामेंट हो रहे हैं। ये आज ये पूरे प्रदेश में डाइट का इस तरह का कार्यक्रम शासन द्वारा निर्देशित हुआ है। इस साल जो शुरुआत हुई, अगले वर्ष जो है इसे हम लोग सर के निर्देश से और बेस्ट 3 दिवसीय कार्यक्रम है।